हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको करके आप किसी भी कॉन्टैक्ट को बिना अपना फ़ोन में सेव किए उसके व्हाट्सएप के प्रोफाइल फ़ोटो, उसके ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक कर सकते हो। आपने ठीक सुना, आप बिना फ़ोन में उसके नंबर को सेव किए उसके प्रोफाइल DP ये सबको देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब तक आप अपने फ़ोन में सेव नहीं करोगे किसी व्हाट्सएप नंबर को, तो आप ना उसके कॉन्टैक्ट को देख पाओगे व्हाट्सएप का, ना उसके DP को देख पाओगे। तो मैं आपको आज एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बिना सेव किए उसके सब चीज़ को चेक कर सकते हो। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप खोलना है, व्हाट्सएप खोल लेना है। व्हाट्सएप खोल के आपको जो कॉन्टैक्ट को स्टॉक करना है, मतलब जैसे जिसका चेक करना है, उसको अपने फ़ोन में सेव कर लेना। फर्स्ट आप उस नंबर को सेव कर लो अपने फ़ोन में जिसको आपको स्टॉक करना है, ठीक है। जिसका चेक करना है, आपको प्रोफाइल चेक करना है, DP उसका चेक करना है, उसे आप अपने फ़ोन में फर्स्ट सेव कर लो, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाके आप अपने कॉन्टैक्ट में जाओ। कॉन्टैक्ट में जैसे कि मैंने इस नंबर को सेव किया है, इसके चीज़ को मुझे चेक करना है, तो आपको क्या करना है, उस कॉन्टैक्ट को आप खोल लो पहले। जैसे कि मैंने ये कॉन्टैक्ट को खोल लिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाओ, 3 डॉट में जा के मोर में जाओ। मोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऐड शॉर्टकट में क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड शॉर्टकट आप बनाओगे, तो ऐड शॉर्टकट होने से क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट का आपकी स्क्रीन में एक शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इस कॉन्टैक्ट का स्क्रीन में शॉर्टकट बन चुका है, ठीक है। जैसे ही इसका शॉर्टकट बन जाएगा, शॉर्टकट बनने के बाद आपको क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाके इस कॉन्टैक्ट को आपको डिलीट कर देना है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से रिमूव कर दो। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में ऐड नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐड करना पड़ जाता है मैसेज करने के लिए। तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो, उस कॉन्टैक्ट को आप ऐड करो। ऐड करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से रिमूव कर दो। रिमूव करने से पहले आपको शॉर्टकट बना लेना है अपने स्क्रीन में। शॉर्टकट बनाने के बाद आपका क्या होगा, तो आप स्क्रीन से डायरेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे देखिए, मैंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया है। मैं आपको कॉन्टैक्ट खोल के दिखा देता हूँ। मैं देखिए, मैंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया, वो नंबर हट चुका है, ठीक है। हटने के बाद लेकिन मैंने उसे ऐड शॉर्टकट कर दिया था, तो वो मेरे स्क्रीन में ऑलरेडी शॉर्टकट बना हुआ है। तो मैं इसे खोल के यहाँ से मैं डायरेक्ट उससे चैट कर सकता हूँ, मैं इससे बात कर सकता हूँ, और बिना अपने स्टेटस को दिखाए, बिना अपने DP को दिखाए, ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐड रखूँगा तो आपके पर्सनल चीज़ ये देख सकते हैं, तो आप ऐसा कर दोगे तो आपका ये कुछ नहीं देख पाएगा, ठीक है। और आप इससे चैट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, ठीक है। इसके DP भी देख सकते हो, उसके ऑनलाइन एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कर दोगे तो आप बिना अपने फ़ोन में सेव किए इस प्रोसेस से चैट कर सकते हो, उसके ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक कर सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ अननोन नंबर को कुछ मैसेज करना चाहते हो, उसके लिए आपको ऐड करना पड़ता है, तो आप ऐड करके अगर शॉर्टकट बना लोगे तो आपके स्क्रीन में वो आ जाएगा, उसके बाद आप इससे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस कर लीजिए, ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। इसको करने के बाद आप सब कुछ बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, और अपने एक्टिविटी को चेक भी कर सकते हैं, उन कॉन्टैक्ट को जिनको आपने सेव नहीं किया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा।